हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिकम फोरम मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम थर्मोडाइनामिक्स का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और वो है हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अब इसका रिलेशन डिराइव करने के लिए छोटा सा एक डेरिवेशन हमें सीखना होगा चलो देखते हैं क्या है वो तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ स्टैंडर्ड्स फ्री एनर्जी चेंज अब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब क्या अगर कोई स्टैंडर्ड कंडीशन हो जिसमें प्रेशर वन एटमॉस्फेयर हो वो सब्सटेंस वन मोल का हो और अगर कोई भी एलिमेंट उसके नेचुरल स्टेट में हो उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलिए कार्बन अब कार्बन का नेचुरल फिजिकल स्टेट क्या है सॉलिड ऑक्सीजन गैस है सोडियम सॉलिड है मर्क्यूरी लिक्विड है ब्रोमी लिक्विड है आयरन सॉलिड तो ये क्या है उनके नेचुरल स्टेट में अवेलेबल रहने वाले एलिमेंट्स तो अगर आप इनका गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ठीक है अब मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं सेंटेंस बता रहा हूं अच्छे से सुनिए अगर कोई भी एलिमेंट हो सुन रहे ना अच्छे से ठीक अगर कोई भी एलिमेंट हो वो अगर अपनी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका स्टैंडर्ड किप्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो आएगा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी एलिमेंट उसकी नेचुरल स्टेट में हो या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसका स्टैंडर्ड्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो आएगा ठीक है चलो देखते हैं अब ये तो ये तो याद रखिएगा हालांकि इधर में शायद काम नहीं है बढ़िया सो so, अब इसकी शुरुआत करते हैं एक रिएक्शन से कंसिडर अ रिएक्शन अब एक रिएक्शन कुछ भी रैंडमली है ना ए बी सी डी ऐसा कुछ कंसिडर कर लीजिए तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अलग से लिखता हूँ क्या वेन ए ए रिएक्ट विथ बी बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इट विल गिव यू सी सी एंड डी डी ठीक है बढ़िया है अब इस इक्वेशन के लिए गिफ्स फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन एज अब ये इक्वेशन के लिए ना गिफ्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला देखिए क्या आता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉक टू द बेस ई और ये आएगा इस इक्वेशन के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू पावर ए इंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी ठीक है अब ये है इक्विलिब्रियम के पहले का तो बिफोर इक्विलिब्रियम अच्छे से सुनिए क्या लिखा मैंने बिफोर इक्विलिब्रियम ट्रेशन ऑफ सी टू पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू दावर बी दट क्यू क्यू क्या है बिकॉज क्यू इज नोन एज अ रिएक्शन कोशंट क्या कहते इसे रिएक्शन कोशंट अब रिएक्शन कोशंट ये दूसरा और कुछ नहीं ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन अच्छे से सुनिए मैंने जो बोला वॉट इज माई रिएक्शन क्वेश्चन इट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये जो मैं पहला प्रोडक्ट बोल रहा हूं ये मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन दिस इज नथिंग बट एक्शन क्वेश्चन बट बिफोर इक्विलिब्रियम ठीक है बिफोर इक्वलिब्रियम क्यू बता हूं मैं सो पुट वैल्यू ऑफ आप एक काम करिए इसको इक्वेशन वन लिख लीजिए पुट वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन वन तो आप एक काम करिए ये जो इक्वेशन वन है ना इसमें ये पूरे टर्म में क्यू ये पुट कर लीजिए अब वो पुट करने के बाद में क्या होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉक टू तो बेस ई क्यू हो जाए क्यू हो जाएगा है ना बट एट इक्विलिब्रियम जैसे देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको दिस रिएक्शन रियक्शन इज व्हेन इक्विलीब्रियम अचीव्स इसके पहले की बड़ी में हमने पढ़े कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा डेल्टा जी हो जाएगा जीरो एंड क्यू हो जाएगा के एंड दिस के इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ठीक है दोनों की चेंजेस कर लीजिए वैल्यूज अब वो क्या हो जाएगा जीरो इक्व टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉक टू बेस ई के ये आर टी लॉक टू के को लेफ्ट में शिफ्ट करिए क्या आएगा डेल्टा जी जीरो इक्वस टू माइनस आर टी लॉक टू बेस ई के नाउ चेंजिंग लॉग ई टू लॉक टू द बेस टेन तो एक नंबर आता है और वो क्या है डेल्टा जी जीरो इक्व टू माइनस

और ये आते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इस वजह से तो अब तीन चीजें ठीक है तीन चीजें पहला अच्छे से सुनिए अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पहला अगर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे अच्छे से सुनिए अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो डेल्टा जी जीरो क्या हो जाएगा जीरो तो इक्वेशन क्या आएगा जीरो तो 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 समझ में आना अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे उनके नेचुरल स्टेट में होंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा जी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो पहला दूसरा अगर आपके रिएक्टन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब में होगा तो ये के की जगह हो जाएगा के सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है और अगर रिएक्टन और प्रोडक्ट गैशियस फेज में होंगे तो हमें उसका वेपर प्रेशर लेना पड़ेगा तो यहाँ पर के सी की जगह के पी आएगा या फिर के पी ही लिखना डायरेक्ट फाइनल हा तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन फिनिश हुआ अब इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के न्यूमरकल बट मैं चाहता हूँ कि थर्मोडायनमिक्स के न्यूमरकल पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन्स बताऊँ और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूमरकल पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं बताए ना तो न्यूमरकल आपकी कन्फर्म गलती होना है आप कितने भी करेक्ट रहेंगे ठीक है तो मिस मत करिएगा ये है हमारा लास्ट वीडियो थ्योरी पोर्शन थर्मोडाइनमिक्स का इसके बाद की वीडियो से हम न्यूमरिकल के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे मैं बाजू में हो जाता हूँ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू सो मच